हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिससे आप डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में बदल सकते हैं। अब ये देख लीजिए, यही प्रोग्राम जो मैंने लिख रखा है वो यही प्रोग्राम है और आपको भी यही प्रोग्राम लिखना होगा। बाकी आपको डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स के बारे में तो पहले से ही जानकारी है, बहुत सारी वीडियोस पहले ही मैं बना चुका हूँ इस पर। तो बस आपको यही प्रोग्राम लिखना होगा और यहाँ से करना होगा इसको सेव। तो यहाँ से आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं या फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं और फिर इसको हमें कर देना है सेव। तो डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर देता हूँ डिग्री के नाम से। तो ये डिग्री नाम दे दिया, यहाँ पर क्लिक करके डिग्री देने के बाद यहाँ पे डॉट पी वाई फाइल एक्सटेंशन जरूर लगाइएगा और ओके कर दीजिए। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। अब जब ये हो जाएगा तो फिर यहाँ से रन पे आना है, F5 भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि टेम्परेचर वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस। अगर आप डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर वैल्यू देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 55 डिग्री, तो ये 55 लिखा, एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ आ रहा है द 55 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 131 फॉरेनहाइट। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहां पर लिखते हैं 78.9, पॉइंट में भी ले लेगा क्या, देखिए पॉइंट में भी ये ले लेगा और आंसर आपको दिखाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहां पे लिखा हुआ है 78.90 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 174.02 फॉरेनहाइट। तो ये प्रोग्राम बनाना बहुत आसान है, इसको देख लीजिए। और इसका जो लॉजिक है वो किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, ये शॉर्ट वीडियो है दिखाने के लिए सिर्फ। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।